अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब महबूब आलम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिस तरह से उनको तनखीद का निशाना बनाया जा रहा है, मोहम्मद महमूद अली की जानिब से जो डिप्टी सीएम और मौजूदा होम मिनिस्टर हैं, कुछ तो काम करे नहीं, ना ही तो गवर्नमेंट करी, और लगातार मुसलमानों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब उनसे सवाल किया गया और उनके बारे में, उनकी पार्टी के बारे में बोला जा रहा है, तो वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। और उन्होंने गुजारिश की कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए, और उन्होंने सेकुलर पार्टी कांग्रेस को जिताने की बात की। क्या है सारा मजा, आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद इकबाल के साथ में शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। तेलंगाना का इलेक्शन फाइनल फेज में आ गया और इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है वो मुस्लिम वोट। अब जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरी जिंदगी वक्फ है मेरी कम्युनिटी मुसलमानों को, ना मेरा कोई जाति का कोई मांग है, ना मैं कोई मेरी जात के लिए ठहरा हुआ। मेरी कौम बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है, हर वक्त इसका इस्तेहसाल किया गया, वोटों का इस्तेहसाल किया, और हमारी कौम को कुछ नहीं मिला। तेलंगाना मूवमेंट जब चला तो कई लोग तेलंगाना के खिलाफ थे, मैं आगे बढ़ा और केसीआर के साथ तकरीबन 12 साल इस मूवमेंट के अंदर था। सारा तेलंगाना फिरा और बेल हाउस काम किया। वजह यह थी कि ये जो दक्कन है, तेलंगाना है, इस तेलंगाना के डेवलपमेंट में हमारी कौम का बहुत बड़ा हाथ है। इनके नक्शे कदम भी सारे तेलंगाना के अंदर, जैसे निजामाबाद है, आदिलाबाद है, जहीराबाद है, करीमनगर है, मौजूद है। मैं मुसलमानों को कन्विंस किया इस बात के कि यहाँ तक कि यह अपना वतन है, इसकी आज़ादी एक एज अ स्टेट जरूरी है, और ये भी लाजिम है कि तुम, हम जो मुसलमान गांव में रहते हैं उनकी तादाद बहुत कम है। और मूवमेंट के अंदर तकरीबन तेलंगाना का हर फर्द शामिल था। और मैंने ये बात कहा कि ये कुव्वतें जो तेलंगाना मूवमेंट के खिलाफ है, इनका साथ मुसलमान नहीं देना चाहिए, ये हमारा वतन है, और इस वतन की खातर हमने केसीआर का साथ दिया, खुलकर साथ दिया। और सिर्फ मैं था जो मुसलमानों को फिर कर कन्विंस किया, सारा तेलंगाना फिरा और मुसलमान वोट डाले। हम लोगों को बड़ी, मुसलमानों को इन जनरल केसीआर से बड़ी उम्मीदें वापसता हो गई। यह हमारी तहजीब की बात करते थे, हमारी जबान बोलते थे और खुलम खुला कई बातें किया गया। सबसे फॉरमोस्ट फायदा जो किया गया वो 12 सितंबर, मैं एक बात को बहुत ही स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूं कि मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए रिजर्वेशन इंतहाई जरूरी है। इसका सबूत आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने 4% रिजर्वेशन दिया, तकरीबन 16-17 साल हुए रिजर्वेशन, और इस रिजर्वेशन की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत फायदा पहुंचा, खासकर गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल सीट। इसके अलावा कई वायदे किए गए जो छोटे मोटे थे, मसलन केबीआर पार्क का नाम बदलकर आप सब जाएंगे बाहर सकते हैं, मसलन इस्लामिक सेंटर बना दिए, मसलन इस किस्म की और बहुत सारी बातें, अजमेर के अंदर बात बना देंगे,
जहांगीरपुरी की दरगाह को डेवलप कर देंगे। अब अफसोस की बात यह है कि इनमें से एक वादे की भी तकमील नहीं हुई। और मुसलमान बहुत मायूस हुए। उसके पर खिलाफ जो चीज हुई, हमारे तकरीबन 40 कॉलेज बंद कर दिए गए। खुद जिस कॉलेज में आप बैठे हैं इसको भी ताला लगा दिया गया। और मैं मजबूर हुआ कि अदालत से जो रुजू हूं और उसके फैसले के बाद इन इदारों को चालू किया। जहां तक इंजीनियरिंग कॉलेज का ताल्लुक था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, मैं इन कॉलेज को बाकी रखे। न सिर्फ मेरे बल्कि कई शादान गुरु और कई कॉलेज। अब यह सवाल यह पैदा होता है कि ये इलेक्शन है, यकीनन एज अ कम्युनिटी और एज अ कम्युनिटी लीडर मुझ पर लाजिम है कि मैं मेरी कम्युनिटी के लिए खड़ा रहूं। और आप खुद देख लीजिए, इस वक्त जब शदीद कश्मकश हो रही है पॉलिटिकल, मुसलमानों की बात सिवाय मेरे कोई नहीं कर रहा। आप देख लीजिएगा ये बात। मैंने कहा, मैंने रेवंत रेड्डी से कहा जब मेरे घर आए, मैं बोला कि खान बकवास फायदा नहीं है, वादा की गारंटी होना। और मेरी मांग बहुत मामूली है, ये कोई पर्सनल बात नहीं है। जो वेलफेयर स्कीम कांग्रेस दी है, ऐलान की है, उसका 10% हिस्सा हमको दे दो। आप 90% ले दो। हम गरीब हैं, मेरी कम्युनिटी दलितों से भी गरीब है, इसमें कोई शक नहीं है। हम बहुत बैकवर्ड है, हम हमारी कोई सियासी पनागाह नहीं है नेशनल लेवल। और फिर जो हमारी राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 38 के तहत, उनको एनफोर्स करो। ये लाजिम है कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। अब ये बात चलते चलते आगे बढ़ी और आप लोग देख रहे हैं कि तेलंगाना का मुसलमान मुत्तहिद होना शुरू हो गया। और मेरा ये नारा है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ। मुसलमानों की खुबत इत्तेहाद में है, इंतशार में नहीं है। और उन खुबतों का साथ हो जो तुम्हारा साथ दे। हमने केसीआर का साथ दिया, मायूसी हुई। कांग्रेस चाहती है कि इस इलेक्शन के अंदर उन्होंने ऐलान किया कई वेलफेयर स्कीम्स का। हम बाहिसियत कम्युनिटी कांग्रेस, अगर कांग्रेस का फायदा होता है वो एक अलग बात है, जिम्नी बात है। फायदा तो पहले हमारी कम्युनिटी का होना चाहिए। बाय वे ऑफ वेलफेयर स्कीम्स हमको 10% देना ही चाहिए। हम गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। हमारी मांग क्या है? अगर आप 1000 घर दे रहे हैं, 100 घर हमारे गरीबों को। अगर ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं 1000 आदमियों को, 100 मुसलमानों को दो। 2500 रुपए आप दे रहे हैं, बेहतरीन स्कीम है। हमारी औरतों को भी 2500 दो, 100 में से 10 को दो, 1000 में से 100 को दो। इसके अलावा कोई जाति एजेंडा नहीं है। अब हकीकत इस बात की है कि बहुत हद तक मुसलमान मुत्तहिद हो गया है और ऐसा लगता है कि मुसलमान वोटिंग पैटर्न भी लार्जली जो है ना उस तरफ जाएगा जहां पर
इनको वेलफेयर स्कीम्स की गारंटी हो। अब जो पैटर्न आया है बाहर, कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी, फिर हैदराबाद में बंदिश, जहां तक बंदिश का ताल्लुक है, यकीनन सात सीटों पर हम उनकी मदद करेंगे, उन्हीं को वोट डालेंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज में, पार्लियामेंट में हो। अब ये होते होते गुज़िश्ता कल एक वाक़या पेश आया, जनाब महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर तेलंगाना, इनसे और इनकी फैमिली से मेरे तकरीबन 50 साल के ताल्लुकात, जो मुझे बहुत अच्छा जानते हैं, मैं इनको बहुत अच्छा जानता हूँ, किसी को भी शख्सी तौर पर टारगेट नहीं किया, हमने मुसलमानों के लिए खड़े रहा, मेरा जीना इस कौम के लिए है, मेरा मरना इस कौम के लिए है, मैं खुली खुली बात, यहाँ मेरे पास कोई और एजेंडा नहीं है, न था ना है, मैं खिदमत करता हूं मेरी फॉर्म की बाय एजुकेशन, इन 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 इदारों की हिफाजत किया मैंने, मुमताज कॉलेज, मदरसा एजाज, अनवर। अब यहां पर एक जो इल्जाम बार बार लगाया जाता है वो है वक्त की जायदाद। अब मेरे दोस्तों, आप लोग जरा गौर से सुने इस बात, जहां तक औकाफ का ताल्लुक है, वक्त अल्लाह ताला की जायदाद, मुसलमान सिर्फ बेनिफिशियरी है उसका, ये जायदाद अल्लाह ताला की। इस जायदाद के साथ बेईमानी वही शख्स कर सकता है जिसका अल्लाह ताला से ईमान नहीं है, जो डरता है। थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को दे दूं, ये मुमताज कॉलेज मुसलमानों का एक ऐसा इदारा है जो एसेट के हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा है। इसका बैकग्राउंड यह है कि तकरीबन 100-150 साल पहले मुमताज रौदाला ने इसको कायम किया, आला हज़रत से 20 एकड़ जमीन मंजूर कराई और उस 20 एकड़ जमीन मदरसे आसिफिया को दी गई और वो इदारा चालू। ये पायनियर था मुमताज मुस्लिम एजुकेशन। इसके बाद 1956-57 में निजाम से 45 एकड़ जमीन खरीदी गई बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड, पहले की 20 थी, ये जुमला हो गई 65 एकड़। 57-58 के अंदर गवर्नमेंट ने उसमें से पार्ट जमीन को एक्वायर किया और आंध्रा कॉलोनी कायम हुई, इसका कंपनसेशन कॉलेज को मिला। इसके बाद मुमताज कॉलेज एग्जिस्टेंस में आया, '89-'90 के अंदर एक वाकया पेश आया, इसकी जमीन के ऊपर लैंड ग्रैबिंग हुई, एक जावेद सिद्दीकी और शायद सिद्दीकी दो नाम के सकते हैं, उन्होंने लैंड ग्रैबिंग और जाली दस्तावेजात बनाए गए 6 एकड़। उस वक्त जनाब गुलाम जिद्दानी साहब सेक्रेटरी थे, डॉक्टर मन्ना चेयरमैन थे। सुबह का वक्त था, फजर के बाद में बैठा था, जिद्दानी साहब जिनके खानदान से मेरा करीबी ताल्लुक है, बहुत करीबी ताल्लुक है, वो आए और कहा कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये आप हमल हो। तो मैं बोला ये मेरे पे पहले से अनुमानों का कुछ होता है, ये काम नहीं होता। नहीं नहीं आप हमल, इन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद मैंने जब तहकीक किया तो इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। कॉलेज का एक लेक्चरर था अमजद सिद्दीकी,
उसका इंतकाल हो चुका है। उस शख्स ने मेरा साथ दिया और आर्काइव से और हर जगह से हमने डॉक्यूमेंट जमा किए। वह एक एक हैदराबाद में एक मोहम्मद इलियास नामी एक एडवोकेट आकर वो इत्तेफाक से मुमताज कॉलेज के मेंबर भी थे। एक दिन उनकी वाइफ के पास से टेलीफोन आया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, तो वो डॉक्यूमेंट मैंने निकाला देखा तो वो गोल्ड माइन था। उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे मिले जिसकी जरूरत थी मुकदमा लड़ने के। मुकदमा लड़ा गया और उसके बाद हमने मुकदमा जीता, यह उसका फैसला है। और इस मुकदमे के अंदर कोई ना मेरी मदद की ना मेरे एक पैसा किसी से फाइनेंस किया, ये खुद मेरा पर्सनल एफर्ट था। और मेरी कौम के लिए क्या, मैं मेरी आखिरत के लिए क्या, मैं खुश हूं। अब ये जमीन जो है इसमें से तकरीबन 30 एकड़ जमीन अक्वायर की गई आंध्रा कॉलोनी के लिए, कुछ जमीन अक्वायर की गई वाटर पाइपलाइन के लिए तकरीबन 700 गज, इसके अलावा कुछ रोड वाइडिंग में गई। अब इसके अलावा जो जमीन इस वक्त है वो 32 एकड़ 16 घंटे, ये इसका नक्शा है। और ये नक्शा लैंड ग्रैब कोर्ट के ऑर्डर से बनाया गया है जो इस जजमेंट में पूरी तरीके से मौजूद है। अब इस ये जमीन शर का बाइस है, ये जमीन फितने का बाइस है। हर थोड़े दिन को एक मसला उठता है और उस पर इल्जाम लगाया जाता है। कल इन्होंने इल्जाम लगाया मुझ पर कि मुझ पर वर्निश गैस है और मैंने जमीन की जो है ना गदर बूद की है। लोगों मेरे भाइयों, या बहुत सारे गैर मुस्लिम भी है, मुसलमान भी है, जहां तक मेरा ईमान है या कुरान है, यह कुरान है मेरा ईमान है। पता नहीं महमूद अली का ईमान क्या है, क्योंकि उसने जो पुस्तक की सैयदना उमर के बारे में वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। यह मेरा ईमान है, मैं अल्लाह को हाजिर जान के बोलता हूं, एक इंच जमीन का मैंने गदर बूद नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मैं किया हूं तो अल्लाह के पास जवाब दे है। अगर भूत पर इल्जाम लगा रहा है तो यह काजिब कज्जा लानत है, लानत उद्दाल काजिब इनसे सफरा नहीं करता। इसका फैसला मेरा और उसका अल्लाह के पास होगा। मैं जानता हूं उसने क्यों किया ये बात। जियादत पार्टी को इस बात का यकीन हो चुका कि मुस्लिम वोट मिलने वाला नहीं है, और मैं कहता हूं नहीं मिलने वाला है। मैं कहता हूं नहीं मिलने वाला है, मेजॉरिटी वोट कांग्रेस का है। मैं कहता हूं जाना ही चाहिए। कांग्रेस ने हमको 12% दिया रिजर्वेशन, आप 4% दिया रिजर्वेशन, आपने 12 का वायदा किया, एक भी नहीं दिया। किसको देना चाहिए मुसलमान? आप हजरात बोलो, ये नेचुरल है। अब रेवंत रेड्डी ने मुझे घर पर आया मिला, उसने वादा किया कि मैं जो भी वेलफेयर स्कीम है उस तक से मैं 10% बराबर मुसलमानों को ट्रांसपेरेंट तरीके से दूंगा। मेरे लिए काफी है, मेरी कौम के लिए काफी है, उसकी गुर्बत के लिए काफी है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं खड़ा रहा मेरी कौम की खातर तो मुझे जात पर हमला ऐफ है। यह इसका महमूद अली का खून है जो पुकार रहा है, मेरा दर्द अलग है, मेरा खून अलग है। मुझे फख्र है इस बात, मैं मुसलमान हूं, सहाबा की मेरे ईमान का जुज जानता हूं। मैं यह गुफ्तगु नहीं कर सकता, खुदा की खत्म नहीं कर सकता कि उम्र के बाद इतना उम्र के बाद अगर कोई पैदा हुआ तो 54 में KCR पैदा हुआ, ये बात मैं नहीं बोल सकता, खत्ता ही नहीं बोल सकता। अब
जुटलाता है सब। आ जाओ फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, सारा खर्चा मैं बर्दाश्त करने तैयार हूं। दोस्तों भाई, झगड़े को पर्सनल बनाना नहीं चाहता, फायदा नहीं है। अगर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता। मेरा दर्द फॉल है, मैं कर्मदर्शी की तरफ जाना नहीं चाहता। मेरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मेरी कौम है, उसका डेवलपमेंट है, इसके अलावा अल्लाह की कसम कुछ नहीं। मैं देखता हूं सुबह और शाम, 40 साल से बैठा हूं इस इदारे में। आओ देखो, आपको मुमताज कॉलेज आ जाओ, ये जमीन की हिफाजत देख लो, आ जाओ, हाँ देख लो। दोस्तों बात ईमानदारी की होना चाहिए। ये महमूदरी, इनकी बीआरएस में क्या हैसियत थी मैं जानता हूं। अब मुश्किल क्या हो गई कि इनकी इफादियत का, इनकी इफेक्टिवनेस का अंदाजा केसीआर पेटिया को हो गया है कि यह मुस्लिम वोट ला नहीं सकते। लिहाजा महबूब आलम को गाली दी, सुना गया कि डायरेक्शन दिया गया कि इसके ऊपर अटैक हो। मेरी कौम के लिए मर मिटने तैयार हूं, मेरा ईमान अल्लाह पर है, मैंने डर। एमरजेंसी के अंदर 3 महीने अंडरग्राउंड था, एमरजेंसी के बाद मिसेस गांधी जेल गई और छुट्टी बाहर, तो मैं जाकर मिलकर उसको हैदराबाद लाया और दारुसलाम में जलसा हुआ। कई केसेस, रमीजाबी केस हो, सिकंदराबाद कॉन्स्पिरेसी केस हो, कई केस हो, कई केसेस मैंने खुद हैंडल किया और लड़ा है मेरी कौम की खातिर। ये कोई नई चीज नहीं है। अब यहां पर चल चीजें हैं जो ये जनाब झूठलाते हैं। अब गौर से देखिएगा, 60 साल की कांग्रेस रूल में इतने मस्जिद शहीद नहीं हुए जितने ये 9 साल के अंदर हुए। मस्जिद हाशमी सेक्रेटेरिएट वास्तु की वजह से तोड़ दिया, मस्जिद दफ्तिया सेक्रेटेरिएट तोड़ दिया, मस्जिद कुतुबशाही और खबरस्तान तो हयात नगर खत्म हो गया, मस्जिद खान 3 खाना शामिल पे, मस्जिद कुतुबशाही और ग्रेवगार जिलाल गुड़ा, मस्जिद 1 खाना अंबर पे, मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद, मस्जिद नूरी शमशाबाद। और ये सारे मस्जिदों की शहादत के वक्त ये शख्स होम मिनिस्टर था, क्या इन्हें इस शख्स ने कभी कभी एतराज किया वह हैसियत मुसलमान होने के? क्या कभी कहा कि क्यों तोड़ रहे हैं मस्जिद? जब तुम्हारी खुर्बत थी चीफ मिनिस्टर थे। आप बहुत से देखिएगा, उस्मानिया हॉस्पिटल है तोड़ दो, एरम मंजिल है तोड़ दो, टिब्बी कॉलेज है तोड़ दो, मेटर्निटी का हॉस्पिटल है औरतों का तोड़ दो, गंडीपेट 111 बर्खास्त कर दो ताकि गंडीपेट सूख जाए, हिमायत सागर खत्म हो जाए। ये क्या बात है? अरे खुदाई कसम, ये हमारा वतन है, इससे हमको मोहब्बत है, ये हमारी असलाब की निशानियां है। हम तो चाहते कि हर आदमी जो हैदराबाद का है वो चाहे हिंदू रहे या मुसलमान रहे, उठ खड़े रहे। इस बात हॉस्पिटल टूटेगा, हाईकोर्ट में एफिडेविट भी डाल दिया गया है कि नाकाबिले रिपेयर है, वापस बनेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू डिपार्टमेंट खत्म किया, सड़कों पे थे उर्दू के बोर्ड खत्म हो गए। और ये मसाइल अगर मैं उठाऊं, बहसियत एक सिटीजन होने के नाते, बहसियत एक्सपर्ट उस कौम का जो गरीब है और मायूस है, वो फॉर्म जो बिल्कुल बिल्कुल मुफलिस है, अगर मैं मसला उठाऊं तो ये मेरे, मैं ये फेस करता हूं। मेरा ईमान है मेरे यार, ये मेरा ईमान है कुरान, अल्लाह की खत्म खा रहा हूं। मैं एक पैसे का किसी का लिया नहीं, ना एक इंच जमीन में कभी जिंदगी के अंदर किसी के भी आज तक मैंने
कब्जा नहीं किया। हाँ, इनकी हिफाजत क्या है, मेरी आखिरत का सौदा है क्या है, पक्का क्या है, यह महमूद अली से पूछोगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मुसलमान कौम को पूछो। और ये जात पे हमला करता है और बोलता है कि मैं जो है ना मेरे खानदान की जायदाद खाया, उसके लिए भी आप लोग गवाह, ये खत्म करता हूं अल्लाह ताला की, मैंने मेरे खानदान की ये कहीं जमीन नहीं बेची ना किसी भाई की जायदाद खाया। इन मुंतजरों इस शख्स ने कहा है कि 4-25 तारीख को ये सब रिकॉर्ड लाएगा। आप सबसे वादा है यकीनन इस शख्स को मैं डिफॉर्मेशन फाइल करूंगा, छुट्टेगा चप्पल ही नहीं। और जहां तक मेरी कौम है, मैं फिर एक बार कहता हूं कि क्यों डालना चाहिए उनको, उस पार्टी को जो हमारी मस्जिदों को तोड़ दे, क्यों डालना चाहिए उस पार्टी को जो जिसने वादे किए और एक भी वायदा पूरा नहीं किया, क्यों नहीं डालना चाहिए उस पार्टी को जो हम जिसको जिसने हमको 4% दिया, बोलो आप लोग इंसाफ करो, एज अ ह्यूमन नहीं बोलो, बोलो कब तक मुसलमान धोखा खाए और क्यों धोखा खाए, कहीं ना कहीं तो एंड होना चाहिए इसका। कोई एक शख्स उठकर पूछ रहा है कि मुसलमानों का हक क्या है इन वेलफेयर स्कीम से, मैं खामोश बैठ जाता हूं, बता दो। और मैं खड़े रह के पूछ रहा हूं तो इतना गुस्सा मुझ पर, यकीनन मुसलमान इस वक्त मुत्तहिद हो रहा है। मेरी अपील है मुसलमानों से, चाहे वो तेलंगाना के किसी गांव में हो, मुत्तहिद हो जाओ और अपने हक के लिए खड़े रहो। जो पार्टी तुमको देने का वादा करती है यकीनन उसको पावर में लो। कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ खड़े रही थी, क्यों नहीं साथ देना चाहिए अखिलेश, क्यों नहीं देना चाहिए सर? पैटर्न देखो, सारी क्रोनोलॉजी देखो, एनआरसी का मसला आया पार्लियामेंट में, केसीआर साहब वॉकआउट कर गए, क्यों साहब आप हमारी सपोर्ट में वोट क्यों नहीं डाला आपने? ट्रिपल तलाक का मसला आया, आपने फिर वही काम किया, क्यों नहीं साहब हमारी सपोर्ट में आया आपने? हम तो आपके लिए दिल खोल कर आए थे, बच्चा बच्चा हम आपको वोट डाला था। तेलंगाना फॉर्म नहीं होता अगर मुसलमान साथ नहीं देते, हमने खुलकर साथ दिया, आपने वादा किया, हमने आपको गले से लगाया। आज किस बात की रंजिश है आपको, किस बात की? अगर आप वादे पूरे करते इनमें से 50% भी करते, यकीन मानो मुसलमान आज इनके साथ खड़े रहते। धोखा झूठ असेंबली पास करती है रेजोल्यूशन, भेजा जाता है सेंटर को, जानते बूझते कि बीजेपी गवर्नमेंट देती है, वो तो 4% भी बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया है। क्या ये गुनाह है? मेरी कौम के लिए खड़े रहना गुनाह है? क्या मेरी जात के लिए मांग रहा हूं 4%? अल्लाह ताला मेरी रोटी दिया है, मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, इसका मैं मालिक नहीं हूं। जिसका मालिक, इसकी मालिक वो कौम है जिसका नाम मुसलमान, ओपनली बोलता महमूद अली, ये अपना दर्द बताया महमूद अली, इसकी जिंदगी वहां पर गुजरती है, इसकी जिंदगी सुबह से शाम तक वो हरकत करते हैं, जो हम मेरे लिए या आपके लिए इंतहाई दलील है। गैर जरूरी आप जाके हाथों की बोसे लेते हैं और आपकी एक अधिकार बाजू बंद बने हुए हैं, आप क्या किया है? मैं जानता हूं कि उसको बोला गया उस पर हमला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान मुत्तहिद है पक्का। मैं डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहा हूं 100%।
चाहे मेरी जान चला जाए इस मामले में बराबर करूँ। मेरी कौम का मसला है, मैंने देखा है 40 वर्ष इस कॉलेज में बैठकर देखा है गुर्बत मेरी कौम की। 100-100 रुपये तो गरीब औरतें बेवा बच्चे आते हैं, मैंने देखा है। वो इनका मददगार नहीं सिवाय अल्लाह ताला। आपने वादा किया था 12% का खुला, नहीं दिया 12%, 5 देना था, अरे 3 देना था, 2 देना था, 1 देना था। उस रास्ते को अपनाता जो राजशेखर रेड्डी ने अपनाया, क्यों नहीं बोलो तुमने अपनाया? ये बाकी के तो बहुत फजूल चीजें हैं। रुबात बनाए ना बनाए, जागीर पे डेवलप हो ना हो, ये मामूली बात है। ये मत मसाजिद हैदराबाद स्पेशल को उठू गए डिपार्टमेंट की बरसात का भक्ति नहीं करते। हमारे असलाफ की बिल्डिंगों को एक दूसरे के बाद तोड़ने की आप मुहिम चलाते, पहले उठाया राम मंदिर का पीछा अदालत में गई बात, अब उठाया आप उस्मानिया हॉस्पिटल का पीछा, अब वो भी अदालत में है। बोलो क्या गलती है मेरी? बोलो एक इंसान के नाते बताओ मुझे, क्या मुसलमानों के लिए उठ खड़े रहना गुनाह है, क्या जुर्म है? कई हिंदू भाई हमारा साथ देते हैं, बगैर उनके इस मुल्क में हमारा रहना मुमकिन नहीं है। हमारा साथ दिया इंतहा क्रिटिकल स्टेज में साथ दिया हिंदुओं ने हमारा, और देते हैं। मेरे भाई झूठ महमूद अली की झूठ है, ये कज़्ज़ाब है, और इसकी जिंदगी सारी इमाम जामिन बनना और बोता लेने को। आप गौर से देखो क्या किया जा रहा मुसलमानों के साथ। वाह बोल एक आप ऐसे शख्स को सुने जिसका ताल्लुक तेलंगाना मूवमेंट से भी नहीं था, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वह कोर्ट पर लाकर बिठा दिया। क्या मुसलमानों की जिल्लत नहीं है? क्यों मुस्लिम कौम के अंदर कोई रिटायर्ड जजेस या रिटायर्ड ऑफिसर नहीं थे? क्यों मुसलमानों को जलील किया? क्यों किया गया? ये जिल्लत नहीं है? बताओ क्या सब हो गया है? 70,000 एकड़ जमीन जो इस स्टेट के मुसलमानों की गुर्बत के लिए मोर देन इनफ, क्या सकता? जो आदमी पढ़ नहीं सकता, जो आदमी लिख नहीं सकता, वो आदमी कैसे वक्फ बोर्ड चलाएगा? बोल आप लोग करते हैं ये क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? अब यहां पर ये महमूद अली साहब, आप होम मिनिस्टर, आगे के अंदर एनकाउंटर, आज तक इंक्वायरी नहीं। आप होम मिनिस्टर, 40 मुसलमानों के कॉलेजेस बर्खास्त, अनवाल मुस्तफिक कर दिया गया, आप होम मिनिस्टर, इससे अर्थात जो है ना चीफ मिनिस्टर। ये मसाजिद बनते वापस, बनते वापस। अब बात उठाई जाती कि कांग्रेस को क्यों गए बाबरी मस्जिद गए, यकीनन कांग्रेस के जमाने में बाबरी मस्जिद गई, लेकिन मत भूलो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, और पीवी नरसिम्हा राव का मुझे समय को केसीआर ने बिठाया टैंक बट पर, मत भूलो पीवी नरसिम्हा राव नेकलेस रोड का नाम बदल कर रख दिया गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए लिखा गया, ये उनकी मर्जी है। लेकिन क्या मेरी मर्जी नहीं है? क्या मुझको एक सिटीजन होने के नाते हक नहीं है कि मेरी कौम को होशियार करूं, उसको जगाऊं कि जागो मुत्तहिद हो? आज यकीनन मुत्तहिद है, मुझे फख्र है कि मेरी कौम मेरा साथ दी है। रोज इतने टेलीफोन आते हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते, मेरी सेहत मेरा उम्र भी साथ देना चाहिए, मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकता,
कई जगह से बुला रहे हैं, आओ आओ उठाओ हमारी नींद चलो। मैं फखर से बोलता हूं कि मेरे वीडियो तकरीबन तेलंगाना के हर मुसलमान के घर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर रहे हैं। हद तो यह हो गए कि सिक्योरिटी के अंदर मेरा वीडियो ऑटो पे फिक्स करके फिराया गया, रतापुर में फिराया गया, कई जगह। मुझे फखर है, मेरी जात के लिए नहीं किया है ना करूंगा। जो जिंदगी है, जिस तरीके की जिंदगी गुजार रहा है उससे अल्लाह की कसम मौत अच्छी है मेरी। जिस चीज को हम जिल्लत समझते हैं इसकी मेराज है। कैसे आप हाथ बढ़ा देते हैं, गुस्सा करता है पूरी पब्लिक के अंदर, कह सकते मुसलमान की जिल्लत नहीं है ये, बोलो। अरे उस हाथ को बोसा करो जो हाथ गरीब को रोटी देता है, अरे उस हाथ को बोसा करो जो हाथ यतीम के सिर पर रखता है, उस हाथ को बोसा दो जो हाथ दुखते को उठाता है। अरे तुम उस हाथ को क्या बोसा देते हो, मैं आगे नहीं कहना चाहूंगा जो जिस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये बदनसीब है, बदनसीब है, उन्हें अपनी जिंदगी की मेराज समझ रहा है। दोस्तों, आदमी अपनी हैसियत को और औकात नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। वक्त कैसा आता है कैसा जाता है कोई नहीं भूल सकता। कोई सोचा था कि कांग्रेस जिंदा हो जाएगी, कोई सोचा था कि तेलंगाना में कांग्रेस एक सियासी पावर बनकर उभरी। सोचो आप ये कालेश्वरम का जो वाकया हुआ, सोचो इस बात। लेकिन ये कुदरत थी जो इलेक्शन के ऊपर। सब आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं जबकि मस्जिद जो है कांग्रेस को आरएसएस की अम्मा बता रही है। भाई मैं नहीं समझ सका, आ जाओ सामने। जबकि मस्जिद खुल के ये बता रही है कांग्रेस आरएसएस से ये बात जो है ना, मेरी दाद के तक मुझे कौन दूसरा क्या कर रहा है उसका मैं जिम्मेदार हूँ। सब पिछले 9 साल से आप तो कार में बैठ के फिर रहे थे जी, पिछले 9 साल से आप कार में बैठ के केसीआर साहब के साथ फिर रहे थे। उन्होंने आपके मैं दो बार आए, मैंने बैठे जी, दो बार आपके पास आए आपके मकान। कौन? केसीआर साहब। डेट्स व्हाट आई जी। तो भाई पॉलिटिकल थिंकर्स का ये मानना है कि आपको राज्यसभा सीट नहीं देने पर आप ये सब कर रहे हैं। कुरान में चीज है आपका ईमान मेरा जी, ना मैंने पूछा ना मेरे को किसी से धमकी उठ से बात। ये आप 12 डिफॉर्मेशन के अलावा आपके साथ जो केसीआर ने जो वादे किए थे मुसलमानों के साथ डिफॉर्मेशन और जो है डिस्ट्रिक्ट जाने के अलावा आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर? क्या आप एक पॉलिटिकल जो है फ्रंट लेके आएंगे? मैं सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएंगे ना, मेरी उम्र का तकाजा है ना, मेरी सेहत इजाजत देती है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों को मुसलमानों को ये बात बोलता हूँ कि तुम्हारी जो पॉलिटिकल पार्टी साथ देती है तुम खड़े। सर महमूद अली साहब ये भी एग्जाम लगाए आप पे, कुछ एमएलसी कांग्रेस वाले आपको देते बोलकर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, झूठ बात है। मैंने कोई चीज नहीं मांगी कांग्रेस से। महमूद अली साहब का कहना है 2014 में आपके ऊपर एक एफआईआर हुआ था, वो क्या है सर? नहीं समझा भाई, मेरी समझ में नहीं आई। केसीआर गवर्नमेंट आने के बाद 2014 में पहला एफआईआर आपके कॉलेज के ऊपर किया था, तेलंगाना गवर्नमेंट बोल के ये बता रहे हैं। ये 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 बात इनकी गलत है। इस वक्त उस वक्त एक एक अखबार नामी शख्स ने चार्ज किया था जिसका ताल्लुक पुलिस से था, इसने मेरे खिलाफ नहीं कैदियों के खिलाफ किया, अकबर निजामुद्दीन के खिलाफ किया, कैदियों के खिलाफ किया, मतलब अदालत में है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में 12% रिजर्वेशन और वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर क्यों शामिल नहीं कर रहे? मैं कौन जिम्मेदार हूँ? कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखने वाला हूँ क्या? मैं मैनिफेस्टो लिखाना। अच्छा और एक बात है, अभी आप बोले 7 सीट पे आप मजलिस को सपोर्ट करेंगे बोल के, क्या नामपल्ली भी जो है ना करेंगे? भाई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए असेंबली के अंदर,
अगर 7 सीट को भी गलत कर दी गए तो पहले से क्या रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का? खुद नाम बदलने से आपका मजलिस को सपोर्ट है? मजलिस खुद बोल रही है कांग्रेस आरएसएस से मिली हुई है, फिर आप मुसलमानों को कांग्रेस की क्या क्या क्या? मजलिस खुद बोल रही साहब के कांग्रेस आरएसएस से मिली हुई है। कौन क्या बोला मुझसे मत बोलो बात साहब। आप नामपल्ली में किसको सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस को? नामपल्ली के अंदर किसी को भी सपोर्ट नहीं करो। नहीं आप अभी बोले ना साहब इमरान के साथ से लोगों को सपोर्ट करो बोल के, तो नामपल्ली में बोला ना आप बोला ना आपको यकीन है आप कांग्रेस गवर्नमेंट अगर फॉर्म करने के बाद आपसे जो वादे किए वो पूरा करेगी? कौन? कांग्रेस गवर्नमेंट अगर आई तेलंगाना में। नहीं आपसे जो वादे किए ये मेरे सामने मैंने पूछा, उन्होंने वादा किया और किसी के भतीजे ने पूछा जी, रेवंत रेड्डी बिठा के पूछा, उसने बोला था नहीं आप पूछने से मैं तारीख इसलिए कर रहा हूँ की वो देने को तैयार हुए सब टोपी पहनने से दराज करे, टोपी लगा के बिगड़े कांग्रेस के सदर प्रेजेंट रेवंत की टोपी कमास की टोपी। अरे यार मैं तो नहीं देखा हूँ, और अगर टोपी मैं निकाल के रखा तो मैं मुसलमान नहीं रहता हूँ। सब रखने में और नहीं कर पाते हैं टोपी पहना रहा था, तो नहीं पहनी है तो नहीं पहना होगा बिल्कुल। मेरे ने निकाल दिया सीधा सीधा, तो पहनाने के बाद निकाल टोपी पहनाने से जुड़े हुए सवाल इस वजह से कर रहे हैं। शहीद होने वाली मसाजिदों के नाम गिनाया, तेलंगाना में शहीद होने वाली मसाजिदों के आप नाम गिनाए, जबकि आज हिंदुस्तान की सियासत एक मस्जिद के नाम से चल रही, उस मस्जिद को शहीद करने में कांग्रेस का पूरा पूरा हाथ है। बोला ना फिर भी आप कांग्रेस का सपोर्ट करो। मैं 5 मिनट पहले बोला ना बिल्कुल उस फिर भी आप कांग्रेस का सपोर्ट करो। भाई आपको बोला ना 5 मिनट पहले कि वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव था, आज नरसिम्हा राव के मुजस्मे को किसने बिठा दिया लाके गौरे हुकूमत? राजशेखर रेड्डी के टाइम भी एयरपोर्ट में मस्जिद को शहीद कर दिया, आज भी धूप में नमाज पढ़ रहे हैं। आज भी वो मस्जिद फारूक आजम यही महमूद अली साहब का वायदा था कि बनवा दूंगा। राजशेखर रेड्डी का वायदा था। इसके बाद क्या जो है फर्दर एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो बोलिए सबसे जी। इसके बाद आप क्या करेंगे? डिफॉर्मेशन तो हो गया आवाम को खासतौर से। मैं आपको साफ साफ बात बोल रहा हूँ ना, ये बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, मैं कोई पोलिटिकल पार्टी चलाने वाला नहीं हूँ। पहली चीज मैं सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन आया है इसके अंदर मुसलमानों को क्या बेनिफिट मिलता है तो ये बेनिफिट ऑन पेपर नहीं दे रहे ना सर, मैनिफेस्टो में नहीं दे रहे ना, आप इनकी बात पे यकीन पब्लिक को क्या? इन मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं दे रहे ना साहब, इन ऑन पेपर कुछ भी नहीं दे रहे, उन्होंने बता रहे 12% रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस वाले बीआरएस पे इल्जाम लगा रहे, तो कांग्रेस वाले देते बोल के कहां बोल रहे साहब? भाई बोला वो लोग देते नहीं बोली। फिर ये आप लोग बीआरएस के ऊपर इल्जाम साहब अभी आप बताए थे कि 10% भी रिजर्वेशन देते हो बताए थे साहब आप। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब शानदार शाहकार मजबूत और पायदार दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम। अब
शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ 29,999 रुपीस। जी हाँ फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827। रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब घर की हर छोटी बड़ी तकरीब के लिए मुनासिब शादी खाना। रॉयल पैलेस 100 दावतियों से लेकर 1000 दावतियों के लिए बर्थडे फंक्शन हो या साचक शादी वलीमा जुमागी या फिर कोई गेट टुगेदर आपके हर खुशी के मौके पर चार चांद लगाए रॉयल। जी हाँ रॉयल अंदाज में अपने दावतियों का इस्तकबाल कीजिए पुर इखलाक सर्विस नए फर्नीचर से आरास्ता नए क्रॉकरी के साथ। इसके अलावा रॉयल में वसी पार्किंग दस्तियाब दो लिफ्ट यानी मर्दाना और जनाना के लिए अलहदा अलहदा लिफ्ट और पकवान के लिए किचन की सहूलत। एक बार तशरीफ लाएं रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल काला पत्थर ऑपोजिट गोल्ड जिम बिसाइड फातिमा हॉस्पिटल हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रॉयल फंक्शन हॉल के इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए 7569979478। रॉयल पैलेस।